हेलो एवरीवन हाय नमस्ते कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मार्ड जो रखे हुए थे हम लोग के बैल के लिए यहाँ पे देते हैं तो रखे हुए थे तो वहाँ पे यहाँ पे एक चूहा गिर गया था जिसको मैंने लकड़ी की मदद से उसको निकाल लिया है देख के थोड़ा सा ना दया तो आ रहा था लेकिन गुस्सा भी आता है इन सभी को किचन पे देख के क्योंकि किचन की जो हालत करते हैं ये सब ना मैं बता भी नहीं सकती पूरा ख़राब कर देते हैं किचन पे तो यहाँ पे वो पता नहीं कहाँ पे चला गया था वही मैं देख रही थी और उसके बाद यहाँ पे अभी आ गई हूँ और अभी सुबह का टाइम हो रहा था बाबू का मालिश करने का टाइम है अभी तो मम्मी यहाँ पे आई थी बाबू को हाथ पैर धुला देती पूरा अच्छे से साफ़ कर देती थी और उसके बाद अभी इसका मालिश होगा थोड़ा बहुत हाथ पैर पहुँचने के बाद उसका मालिश करेंगे तो मैं नहीं करूँगी फिर भी मम्मी बोल रही थी कि बाबू को Uh, मतलब कपड़े से गीले कपड़े से पहुँचने के लिए बोल रही थी मम्मी उसका हाथ पैर तो धो दिए हैं लेकिन फिर भी उसको गीले कपड़े से थोड़ा सा पहुँचने के लिए मम्मी बोल रही थी तो उसका मैं टी शर्ट निकाल रही थी टी शर्ट नहीं उसका गंजी शायद बोलते हैं वही निकाल रही थी और ऊपर से निकाल रही थी छोटे बच्चे थोड़ी ना बोलेंगे कि हाथ उठा लूँ ऐसे करके तो मैं इसी तरह करके निकाल रही थी फिर दीदी बोले कि एक हाथ से निकालो ऐसे तो मुझे हाथ से ही निकालना आता है लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं ऊपर साइड से निकाल रही थी ट्राई कर रही थी नहीं हुआ तो फिर इसी तरह एक हाथ उसका निकाल के फिर निकाल देती और अभी इसको थोड़ा सा पहुँच दूंगी उसका पूरा शरीर और अभी ये फिर ना रोने लगा था पूरा क्योंकि रोता नहीं है जब भूख लगता है तभी रोता है तो यहाँ पे उसको पूछ दूँगी और आज इसका तबीयत भी सही नहीं है इसीलिए इसको पानी से नहीं धोए हैं बस कपड़े से गीले कपड़े से थोड़ा सा पानी मग पे लेके आए हैं और उसी तरह इसको पूछ रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद मम्मी पूछने लगेगी क्योंकि ये ना मग्गा जो है उसी पे हाथ सब ले रहा था और गिराने वाला था तो उसको संभाल भी नहीं पा रही थी मैं तो इसीलिए मम्मी आएँगी अभी और उसको पूछ देंगी इसका तबीयत सही नहीं है और आज इसको और दीदी को दोनों को जाना है हॉस्पिटल क्योंकि बाबू को जुकाम पकड़ लिया है बहुत मतलब बहुत दिन के बाद आज जो जुकाम पकड़ लिया है और उसको थोड़ा सा लूज मोशन भी हो रहा है पतला वाला तो इसीलिए उसको दिखाने के लिए ले जाएंगे दीदी को हॉस्पिटल ले जाना था लेकिन इसको भी ले जाएंगे घुस गई है अंदर है सो है सब परेशान करते हैं टट्टी उट्टी करके इसीलिए आज सुबह सात भी नहीं बजा मेरा आँख यहाँ का थोड़ा सा फूल गया है अंदर पता नहीं कुछ निकला है कि क्या यहाँ पे थोड़ा सा और आज ना दीदी हॉस्पिटल जाने वाली है तो इसीलिए जल्दी से खाना बन रहा है सात भी नहीं बजाए अभी जल्दी से खाना बनेगा बाल खुल गया देखते हैं क्या सब्जी बनाना है मेरा काम भी हो जाएगा और दीदी खाना खा फिर हॉस्पिटल भी चली जाएगी तो इसलिए जल्दी आज खाना बनेगा और अभी यहाँ पे देखिए ये जब नाश्ता कर रहे थे सभी उसी टाइम का क्लिप है तो यहाँ पे दीदी और अनिसा जो है चाय पी चुके हैं कटोरी रखा हुआ है आप लोग देखे भी होंगे लाई जो बोलते हैं ना उसी उसी के उससे ही चाय पिए हैं और यहाँ पे बाबू को बैठा दिए हम लोग मम्मी थोड़ा सा लाई नीचे डाल दी है वो क्या कर रहा है वही देखने के लिए और उसकी क्यूट सी रिएक्शन उसका छोटा छोटा हाथ पूरा इस तरह से वो कर रहा था ना सब लोग हंस रहे थे पूरा ये जो लाई है उसको मतलब हाथ से ले रहा था और उसके मुँह से मुंह पर रहा था लेकिन जा ही नहीं रहा था उसके हाथ पे पकड़ा ही नहीं रहा था तो उसको थोड़ा सा देखना होता है वो अभी बैठने तो लगा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा गिरने लगता है तो उसी के पास हर कोई रहता है और अभी यहाँ पे ऑटो जो है वो आ गया है दीदी -दी रेडी हो रही है और अनिशा यहाँ पे अभी पता नहीं कुछ खा रही थी चावल या ऐसे कुछ खा रही थी और पापा और मैं दोनों लोग यहाँ पे चावल जो हैं वो रख रहे हैं ऑटो पे क्योंकि ये राशन है हम लोग को जो मिलता है मेरी बुआ जो है उनका और हम लोग का दोनों का मिलता है तो हम लोग घर का चावल अभी फिलहाल खा रहे हैं ना तो इसीलिए ये चावल रह जा रहा है और रह जाता है ज़्यादा दिन तो लाल भी हो जाता है इसीलिए ना पैसे भी नहीं थे घर पे तो पापा इसी को ले जा रहे हैं इसे को बेचने के बाद जितना भी पैसा होगा हॉस्पिटल पे हम लोग दिखा लेंगे बोल के और मेरे छोटे वाले भैया भी पैसे भेज दिए हैं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए उतना ज़्यादा तो पैसे नहीं हैं फिर भी पैसे कम होंगे बोल के पापा चावल मतलब लेके जाएंगे बेच देंगे इसको और फिर उसके बाद जो भी पैसे होंगे उससे दीदी का और बाबू का हॉस्पिटल में चेक करा लेंगे इसीलिए बाबू को थोड़ा बहुत जुकाम और उस तरह से हो गया है ना तो वो सही से सो भी नहीं पा रहा उसका हम लोग बड़े लोग जिस तरह से जुकाम होता है उस तो जैसे परेशान हो जाते हैं तो छोटे बच्चे कैसे करेंगे है ना तो इसी वजह से ही पापा बाबू को भी ले जा रहे थे यहाँ पर भाभी बाबू को रेडी करा दिए थे और दीदी और मम्मी और पापा जा रहे हैं भाभी नहीं जाएंगे मम्मी और दीदी दोनों लोग ले जा रहे हैं और घर पे अगर मम्मी रहती तो भाभी बोल रहे थे कि मेरा मन नहीं है फिर भी बाबू के लिए जाएंगे ऐसे बोल रहे थे तो फिर मम्मी चली गई थी और बाबू को दीदी पकड़ ली थी तो यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं मम्मी आ रही हैं और अभी आनेशा नहीं आई है उसको जाने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि सब लोग चले जाएंगे तो भाभी अकेले हो जाएंगे तो फिर बिना वो रोने लगी थी तो इसी वजह से उसको भी साथ में अभी ले जाना पड़ रहा है अभी फिलहाल वो रेडी होके निकलेगी देखिएगा सब लोग रेडी हो चुके थे और निकल रहे थे तभी भाभी उसको रेडी करा दिए थे और अभी यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं और जैसे ही ऑटो चलने लगा था ना बाबू पूरा इतना बड़ा बड़ा आँख करके देख रहा था पता नहीं क्या सोच रहा था वो ऑटो की गाड़ी का आवाज़ सुन के तो यहाँ पे देखिए अनिशा अपना स्लीपर ढूँढ रही थी जो सू ढूंढ रही थी सू नहीं मिला तो यहाँ पे स्लीपर ही पहन के जा रही है और मम्मी और अनिशा दोनों लोग इधर बैठ रहे हैं पापा भी इधर ही बैठे हुए हैं क्योंकि आगे वाला सीट जो है वो थोड़ा सा छोटा है तो इसी वजह से और इसको देखिए जब बाबू को परेशान नहीं करती है जब तक तब तक उसको मतलब चैन नहीं मिलता है इसीलिए अभी यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं और अभी निकल जाएंगे इनके न, मतलब ये सब हॉस्पिटल जा रहे थे दीदी लोग तो मेरा बहुत लेट हो गया था बहुत ही ज़्यादा आज लेट हो गया था मेरा दस बजे क्लास स्टार्ट होता है और मैं करीब साढ़े नौ के साढ़े नौ बजे के आसपास गई थी नहाने के लिए और फिर रेडी उडी होके फिर वो सब वेट किए थे दस बजने वाला था बहुत लेट हो गया था और उसके बाद हम लोग निकल निकलने लगे थे और उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी मैं आ गई हूँ क्लास से आ गई थी अभी और प्यास आप सभी को पता है धूप से आने के बाद ना प्यास बहुत लगता है हर कोई सोचता है कि ठंडा पानी थोड़ा सा पी लें तो मेरी दीदी लोग भी अभी जस्ट हॉस्पिटल से आई हैं और उनके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए भाभी पहले से ही नींबू पानी बना के रखे थे तो वही मुझे भाभी बोल रहे थे कि नींबू पानी है आप नॉर्मल पानी मत पीजिए उसको पीजिए सही लगेगा ऐसे और जैसे नींबू पानी पी थी ना मेरा पेट पूरा भर गया था वही मैं बता रही थी और कुछ खाने का भी मन नहीं किया था तो तुरंत से इसी तरह ही रह गई थी भूख लगता है तो मतलब खाने का मन करता है नहीं लगता है तो पेट भरा भरा लगता है इसीलिए अच्छा नहीं लगता है उसके बाद ये रात का टाइम हो रहा है मैं कुछ क्लिप भी ऐसे ब्लॉग्स नहीं शूट कर पा रही हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा पेपर स्टार्ट होने वाला है और मुझे वही डर है क्योंकि जैसे ही जो भी हम लोग स्टडी करते हैं उसी को आके घर पे ही रिपीट करने से थोड़ा बहुत याद रहता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है मेरी यही गलती है कि आने के बाद मैंने बार बार उसी को नहीं देखा था और अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी यहाँ पे देखिए मैं बनाने वाली हूँ अभी आलू की भुजिया तो आलू जो है भाभी इस तरह से लम्बा लम्बा करके कट कर दिए थे और एक बार इसी तरह ही भुनी थी तो भाभी बोल रहे थे कि आप पहले जो भुने थे उसी तरह भूनीएगा बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे बोल के तो उसी तरह तो मैं नहीं भून पाई थी क्योंकि उस टाइम मैं कड़ी पत्ता डाली थी और रात का टाइम हो रहा था कड़ी पत्ता लेने तो नहीं जा सकती थी तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेथी का पत्ता डाला है और बस जिस तरह से तड़का लगाते हैं थोड़ा सा ऑयल सरसों मिर्च प्याज लहसुन मैंने नहीं डाला है तो उसी तरह आलू डाल दी थी और उसके बाद अभी यहाँ पे आलू जो है वो पक चुके थे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मसाला डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है बस और, और कुछ भी नहीं और यहाँ पे जो मीट मसाला है वो भी थोड़ा सा डाल देती चलो टमाटर तो नहीं डालूंगी इसको भी थोड़ा सा डाल देती हूँ करके और बस इसको अच्छे से चला लेना है और थोड़ी देर चलाते चलाते अब ये रेडी हो जाएगा मसाला जब अच्छे से पक जाएगा तो तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और अगर मेरे चैनल पे कोई भी न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरी फैमिली को भी आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक लीवर बाई केयर थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग